अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, क्लास थ्री का लेक्चर नंबर है फाइव। क्लास थ्री का लेक्चर नंबर फाइव है सब्जेक्ट इंग्लिश का। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेसन है लेसन नंबर एट है। टॉपिक है हमारे पास नेबरिंग स्टॉक अबाउट प्रॉब्लम, यानी पड़ोसी हमसाइल के बारे में बात करते हैं, यानी जो हमारे नेबर्स होते हैं ना, आज हमने उनके बारे में बात करनी है। इंट्रोडक्शन है हमारे पास, एट प्रेजेंट टाइम वी गेट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया। कहते हैं मौजूदा वक्त में हमें सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सी मालूमात मिल जाती हैं, बट ऑल द इंफॉर्मेशन वी गेट थ्रू सोशल मीडिया आर नॉट करेक्ट। लेकिन हमें जो भी मालूमात सोशल मीडिया के ज़रिए मिलती है वो दुरुस्त नहीं है। द आर्टिकल नेबर्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स स्टेट्स डैट वेन एवर यू कम टू नो अबाउट एन इंफॉर्मेशन बाई एन ऑथेंटिक सोर्स यू शुड वेरीफाई इट प्रायर टू बिलीव इन इट। कहते हैं मजमून पड़ोसी मसाइल के बारे में बात करते हैं कि मजमून में लिखा है कि जब भी आपको किसी गैर मुसद्दका जरिए के ज़रिए किसी मालूमात के बारे में पता चलता है तो इस पर यकीन करने से पहले इसकी तस्दीक करनी चाहिए। यानी हमें कोई भी बात हमें सोशल मीडिया से पता चलती है ना, उस पर हमें यकीन करने के बजाय उस पर पहले हमें क्या करनी चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्ट है, आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल द पीपल्स विल कम टू नो डैट। ये सबक पढ़ने के बाद बच्चों को पता चलेगा कि दे शुड नॉट बिलीव इन एनी इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग इट ट्रू सोर्स। कहते हैं इन्हें किसी भी मालूम पर यकीन करने के बगैर इसके हकीकी वसीले पर यकीन नहीं करना चाहिए। इट मे बी अ रूमर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, ये फॉग या गलत फहमी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास लर्न एंड नाउ है, वर्ड है, प्रोनाउंसिएशंस है, वर्ड मीनिंग है। फिर हमारे पास इनके प्रोनाउंस कैसे करना है, नेबर जैसे हम लेबर पढ़ते हैं, काउंसिल टीयर वियर, क्लियर क्लियर, फूलिश गॉसिप। वर्ड हमारे पास है, वर्ड और कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है। सोशल हमारे पास है नेबरहुड, नेबरहुड कहते हैं प्रोस को, एन एरिया ऑफ अ टाउन एक शहर का एक इलाका, डियर टाउन टू पुल और नॉक डाउन अ बिल्डिंग, किसी हमारे को खींचना या दस्तक देना, काउंसिल अ मीटिंग टू डिस्कस व्हाट एक्शन टू टेक इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी ऐसी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए मीटिंग ज़रूरी है, क्लियर अप टू सॉल्व और एक्सप्लेन समथिंग, कुछ हासिल करने या समझना, क्लियर अप का क्या है, सॉल्व करना यानी साफ कर दो, टू सॉल्व और एक्सप्लेन समथिंग कुछ हल करना या समझना, गॉसिप का है हमारे पास इंफॉर्मर टॉक डैट मे बी अनकाइंड और नोट ट्रू, गैर रस्मी बातें जो हैं जो बेहुदा हो सकती हैं, टिटबिट को टिटबिट कहते हैं उर्दू में, अ स्मॉल आइटम ऑफ गॉसिप और इंफॉर्मेशन, गशप या मालूमात की एक छोटी शय। नेक्स्ट पेज पर आज हमारे पास है रीड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, पीपल लिविंग इन कश्मीर पार्क have been hearing that the city has planned to tear down houses in their neighborhood. कहते कश्मीर पार्क में रहने वाले लोग ये सुनते आ रहे हैं कि शहर इनके पड़ोस में मकानात बनाते मकानात पहाड़
फाड़ने का मंसूबा बनाया है। कल रात महल की गोद ने एक कौंसिल का इंतकाद किया। लास्ट नाइट पीपल इन द नेबरहुड लेटर काउंसिल। कल रात मोहल्ले के लोगों ने एक काउंसिल का इनकार किया। द मीटिंग वॉज नेक्स्ट टाइम आई पास द मीटिंग वॉज वेल्ड। द मीटिंग वॉज कॉल टू क्लियर अप द कंफ्यूजन पीपल वेयर फीलिंग। ये इजलास लोगों को पाए जाने वाले उलझन के लिए मुंतहिब किया गया था। नेक्स्ट पेज पर आए, यहाँ पे मिस्टर शफकत वाज चूजन टू हेड द काउंसिल। उसका फर्ज ये था कि वो मुश्तर चल रहे हैं। नेक्स्ट हिज ड्यूटी वाज टू रन द मीटिंग्स। उसका फर्ज ये था कि वो मीटिंग्स चलाए। इट वाज डिसाइडेड टू इनवाइट द मेयर ऑफ द सिटी इन मीटिंग। शहर के मेयर को इजलास में मदद करने का फैसला किया गया। नेक्स्ट हमारे पास पीपल एट द मीटिंग कॉल्ड द टोल्ड। इजलास में लोगों ने बातें की और रवामत की। इट वॉज डिसाइडेड टू द मेयर लिसन टू पीपल एंड सेड दे शुड नॉट एवरी टिडबिट। मेयर ने लोगों की बात सुनी और कहा था कि कहा इन्हें गपशप की हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। सुंदर नेवर बिगन टू सी डैट मच ऑफ गॉसिप नॉनसेंस। जल्द ही प्रोसे ने यह देखना शुरू किया कि वो बहुत सी गपशप बकवास है। द आइडिया वर फुलिश एंड कुड नॉट बी ट्रू। ख्यालत बेवकूफ थे और ये सच नहीं हो सकते। द मेयर पॉइंटेड आउट एट गॉसिप कैंडिडेट टू मिसचीफ। मेयर ने इन्हें कहते मेयर ने कहते मेयर ने मेयर ने मिस चीफ की एक गपशप फसाद पर बर्बाद कर सकती है। द पीपल कुड नॉट वांट सच बिहेवियर डैट कॉजेज प्रॉब्लम इन देयर नेबरहुड। लोग ऐसा स्कूल नहीं चाहते हैं जो इनकी बुजली में परेशानी का बायस बनी हो। आफ्टरवर्ड पीपल सेड डैट दे वर सैटिस्फाइड विद द मीटिंग। इसके बाद लोग ने कहा कि वो मीटिंग से मुतमिन हैं। Their questions were answered। इनके सवाल के जवाब दिए गए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी मसला हो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।